हाय, कौन सी मूवी देख के आए हो? चंदू चैंपियन। कैसी लगी? अच्छी है, इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, और कह सकते हैं कि जैसे मतलब जो पहले पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे, ठीक है तो उनके ऊपर है मूवी। उनका स्ट्रगल दिखाया गया है, कैसे 9 गोली लगी थी उनको, पहले जंग में लगी थी, फिर उनके बाद वो मतलब आए थे स्पोर्ट्स में, उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, फिर उनके बाद धीरे 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 वहाँ से स्ट्रगल की स्टोरी है। अच्छा, एक बात बताइए, कार्तिक आर्यन इस टाइप की बायोपिक्स में कितना सूट कर पा रहे हैं? ऑनेस्टली सूट तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहे? नहीं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं कर रहा क्योंकि ये कॉमिक एक्टर है। अच्छा। तो इन पे कॉमिक रोल ही ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या लगता है कि मूवी चलेगी? नहीं, अपने कम्फर्ट के बाहर भी जाना चाहिए। कम्फर्ट के बाहर गए हैं तो अगर मूवी अच्छी कमाती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा परफॉर्म किया है, लोग भी प्रेस कर रहे हैं उनको। तो क्या लगता है जब इस टाइप की मूवीज बनती हैं तो कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर होते हैं? होते तो हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज है ना, किसी ने इनके बारे में सुन नहीं रखा होता, किसी को पता भी नहीं होता, तो अगर ऐसी स्टोरीज फिर निकल के सामने आए ऑडियंस के सामने तो जाहिर सी बात है इंस्पायरिंग होगी। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कार्तिक आर्यन को और भी बायोपिक्स आगे आने वाले टाइम में करनी चाहिए? कर सकते हैं, उनकी मर्जी है बिल्कुल। आप उन्हें पसंद करेंगे किसी और की बायोपिक में देखना? नहीं नहीं, ऑनेस्टली नॉट। सो गाने कैसे हैं मूवी के? गाने ठीक हैं। कितना रेट करोगे मूवी को ओवरऑल आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 3। पैसा वसूल नहीं है? नहीं, पैसा वसूल तो नहीं।